नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। गंगा नदी पर एक और पुल बनने का रास्ता हुआ साफ। दीघा से छपरा के सोनपुर के बीच जेपी सेतु के समानांतर नए 6 लेन पुल के निर्माण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कर दिया टेंडर। पुल निर्माण पर 2600 करोड़ रुपए खर्च आने की है संभावना। 42 महीने रखी गई है निर्माण पूर्ण होने की समय सीमा। सासाराम में अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी को गांव वालों ने रंगे हाथों पकड़ा। गांव वालों ने पुलिस को दी मामले की सूचना और करवा दी दोनों की शादी। करहगहर थाना क्षेत्र के कुबेर टोला का है मामला। चर्चा में है पटना की यह लव स्टोरी, 7 दिन का प्यार, घर से भागे पुलिस दबिश के कारण। प्रेमी जोड़े ने बेंगलुरु से आकर कोर्ट में किया सरेंडर और न्यायालय के आदेशानुसार कोर्ट परिसर के मंदिर में ही रचा ली शादी। पवित्र शालिग्राम शिला के स्पर्श को आतुर हुए श्रद्धालु, दर्शन पूजन एवं पुष्प अर्पण को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पूर्वी चंपारण गोपालगंज के रास्ते शिला पहुंची उत्तर प्रदेश। श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है कैमूर का हरसू ब्रह्मधाम, बिहार सहित दूसरे राज्य से पहुंचते हैं भक्त। आरजेडी के सीनियर नेता ने शराबबंदी को बताया दलितों पर अत्याचार वाला कानून, सरकार को दी नसीहत। कुछ दिनों पहले ही महागठबंधन की सरकार को कहा था लंगड़ी सरकार। भोज का खाना खाते ही बिगड़ने लगी पूरे गांव की तबीयत, 30 से अधिक लोग पहुंचे अस्पताल, 4 की स्थिति गंभीर। छपरा का है मामला, एक्शन में स्वास्थ्य विभाग। नई नई तरकीब निकाल रहे हैं शराब धंधेबाज, हेडलाइट के नीचे मिला तहखाना। बोलेरो मोडिफाइड करवाकर की जा रही थी शराब की तस्करी, बोलेरो से 175 लीटर शराब गोपालगंज पुलिस ने किया बरामद। मोबिल लीक होने का झांसा देकर रोकी ज्वेलर्स की गाड़ी, फिर मौका देखते ही उड़ाए 50 लाख के गहने। पटना में हुई वारदात सीसीटीवी में कैद, छानबीन में जुटी पुलिस। गुप्त सूचना के आधार पर कल्याणपुर पुलिस ने 113 कार्टून विदेशी शराब किया बरामद। हरियाणा से लाया जा रहा था विदेशी शराब। 2 पिकअप, 1 स्कॉर्पियो और 8 मोबाइल सहित 6 तस्कर हुआ गिरफ्तार। फरवरी के अंतिम सप्ताह तक पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में सहरसा रेलवे स्टेशन और दरभंगा रेलवे स्टेशन सीएनसी लेथ मशीन से होने जा रहा है लैस। सीएनसी लेथ मशीन के लगने के बाद कम समय में ही रेल कोच के पहिए का हो सकेगा मेंटेनेंस। एक 16 साल की युवती ने अपने ही पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। देर रात्रि थाना पहुंच पीड़िता ने दिया आवेदन, जांच में जुटी पुलिस। पूर्वी चंपारण के मधुबन थाना क्षेत्र का है मामला। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का बक्सर में हुआ आगाज, आयोजन समिति के सदस्य पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी इस्लाम अंसारी ने दी जानकारी। आगामी 5 फरवरी को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, विजेता टीम को दिया जाएगा नगद एवं ट्रॉफी। उपेंद्र कुशवाहा का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, बोले मुझे कठपुतली की तरह किया इस्तेमाल। बोले उपेंद्र कुशवाहा, मुझे थमा दिया झुंझुना, जो हिस्सा नीतीश ने 1994 में लालू से मांगा वही मांग रहा हूं मैं। पटना में एक महिला ने अपने ही पति के बारे में किया सनसनीखेज खुलासा। पति और उसके दोस्तों पर मारपीट, गाली गलौज और जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का लगाया आरोप। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र का है मामला। पटना में फास्ट फूड की दुकान पर खड़ा था कारोबारी युवक, पुलिस मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर हो गया मर्डर। सीसीटीवी में दिखा हत्यारा, जांच में जुटी पुलिस। जेईई मेंस एग्जाम में दानापुर और जहानाबाद के 2 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार, दूसरे के बदले देने आए थे परीक्षा, पूछताछ कर रही है पुलिस। समाज कल्याण की ओर से चयनित नरकटियागंज एवं गौनाहा प्रखंड के 10 दिव्यांगों के बीच किया गया ट्राईसाइकिल का वितरण, बीडीओ सतीश कुमार ने दी जानकारी। नरकटियागंज के बिंदवलिया में बनेगा शहरी कचरा के लिए डंपिंग यार्ड, स्थल चयन के लिए बड़वा सरेह में पहुंची अधिकारियों की टीम। बोले सीओ राहुल कुमार, बड़वा में देखी गई है कुछ जमीन, जमाबंदी आदि की जा रही है जांच, उसके बाद कचरा प्रोसेसिंग यूनिट निर्माण के लिए भूमि मुहैया कराने की प्रक्रिया की जाएगी पूरी। और पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया प्रखंड के बैरिया स्थित मध्य विद्यालय हिंदी में चोरों ने ताला तोड़ कर दिया चोरी की घटना को अंजाम, विद्यालय के उपयोगी सामान चुरा कर ले गए चोर।